बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेड सब्सक्राइब के निशान को क्लिक कर लीजिए और इसके सामने बेल के निशान को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको फ्री मिल सके। आज की हमारी जो रेसिपी है ये फेमस इंटरनेशनल रेसिपी है। ये है स्पेनिश ऑमलेट, जिसको टॉर्टिला कहते हैं, और इसे बनाना बहुत ईजी है। और आपको एक ज़बरदस्त किस्म का मील जो आप किसी वक्त भी दिन में खा सकते हैं आज हम बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और इसमें मैंने तकरीबन 4 to 5 eggs ले सकते हैं आप। 4 potato ले लें, इसके साथ मीडियम प्याज ले लें और साल्ट और पेपर आप टेस्ट के मुताबिक, और अगर आप इसमें रेड क्रश चिलीज डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, इट्स ऑन योर टेस्ट। इसके साथ ऑलिव ऑयल जाएगा और फ्राइंग के लिए आप इसमें कैनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसकी रेसिपी है उसमें ये ऑलिव ऑयल के साथ बनाई जाती है। यानी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और ये एक ज़बरदस्त किस्म का हमारा मील तैयार होगा। इसको बनाने के लिए हम जो पोटैटो को कटिंग करनी है हमने पोटैटो को हाफ कर लेना है, फिर इसके को सेंटर से भी हाफ कर लेना है और फिर इसके मीडियम से स्लाइस बनाने हैं, जो ना बहुत थिन हो और ना बहुत थिक हो। ये अगर ये थिन होंगे तो ये जल जाएंगे और अगर थिक होंगे तो फिर ये गलेंगे नहीं, इसलिए हमने मीडियम साइज़ के इसके क्यूब्स काटनी है। इस क्वांटिटी को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहें। जो मैंने बनाया है ये नियर अबाउट 4 to 5 peoples के लिए काफ़ी है, यानी ये आपका पोटैटो इतना होना चाहिए, बहुत थिन भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं। इस तरह हम सारे पोटैटोस को काट लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे और इन पे आप थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा ताकि पोटैटो में अच्छी तरह रच जाए और फिर हम इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद हम ऑनियन को भी काट लेंगे, इनको भी हमने इतना ही काटना है, बहुत बारीक नहीं काटना, यानी जिस तरह हमने पोटैटो को काटा है ये भी इसी तरह के स्लाइस होंगे। अगर आप ज़्यादा प्याज पसंद करते हैं तो आप 2 प्याज भी शामिल कर सकते हैं, मुझे इतना पसंद था इसलिए मैंने एक ही डाला है जो लार्ज साइज का है। ये देखिए इस तरह के इसके स्लाइसेस होने चाहिए। पोटैटो पे हमने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके रख दिया था ताकि उसके अंदर अच्छी तरह उसका टेस्ट अच जाए। इसके बाद हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे नियर अबाउट 2 cups और आप कैनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियम हाई हीट होनी चाहिए। और फिर हम इस वक्त जैसे कि मैंने डाला है पोटैटो तो देखा है आपने कि ये साइडों से इसके हो रहा है, इस तरह होना चाहिए, ठंडे में नहीं डालेंगे हम। तो इसको हमें नियर अबाउट 7 minutes तक पकने देना है, बीच में हम स्पून से इसे मिक्स कर देंगे, यानी पोटैटो का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, वो गल जाएंगे लेकिन उनका कलर चेंज नहीं होगा, यानी वाइट ही रहे। इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि वो प्याज जो हमने स्लाइस किए हैं वो इसके ऊपर ही हम डाल देंगे और उनके साथ इन्हें पकने देंगे नियर अबाउट तकरीबन 10 minutes लेंगे दोनों चीज़ें। जब पोटैटो हाफ कुक हो जाए फिर ऑनियन शामिल करें, तकरीबन 7 minutes के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे और इनको स्पून से हिलाते रहेंगे और ये मीडियम हाई हीट है, लो हीट नहीं होगी क्योंकि वरना फिर वो जो पोटैटो है वो सारा सोक कर लेंगे ऑयल को। अब हम इसमें ऑनियन भी शामिल कर देंगे और इनको भी नियर अबाउट 3-4 minutes तक हम पकने देंगे। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से
ड्रेन करना है, यानी आप किसी स्ट्रेनर में भी ड्रेन कर सकते हैं या किसी स्पून के साथ, ताकि इसका ऑयल निकल जाए। और इस ऑयल को आप किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं पकाने के लिए। अब जो एग्स थे उनको हमने बीट कर लिया है, उसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाल लें टू टेस्ट। और जो ये हमारे पकते हैं इनको हमने ड्रेन कर लेना है अच्छी तरह से ऑयल को, और इनको थोड़ा सा कूल होने देना है। इसके बाद फिर हम इन्हें मिक्स कर लेंगे उस एग्स के मिक्सचर में, इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस आलू को पकड़ के देखेंगे तो ये गला हुआ होगा, यानी ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं गला होना चाहिए कि उसकी शेप खराब हो जाए, लेकिन यह कि वो गला होगा। ये थोड़ी सी मैंने रेड चिलीज एड टेस्ट डाली है, क्योंकि इंडियन फ्लेवर्स तो ज़ाहिर है रेड चिलीज से ही होता है, तो अगर आप किसी को नहीं पसंद तो ना डालें। लोग इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस है, लेकिन जो उसकी बेसिक रेसिपी उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमने उन्हें डीप फ्राई किया हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑयल। और पैन को थोड़ा गर्म कर लेना है। जब ये अमीजा हम इसमें डालेंगे तो फिर हमने अच्छी तरह से ऐसे सारी कार्नर्स पे इवन कर देना है, और इसको अब फ्लेम को हमने लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप साइडों से, ये इसे कवर भी कर सकते हैं, इससे ये ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 4-7 मिनट्स के लिए। ये आपकी हीट पे आप, मे बी आप ये जल्दी चेक करें तो हो जाए। अब ये साइडों से जैसे नज़र आ रहा है हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसे हम पकने देंगे, जिसके बाद फिर हम इसको, ये जैसा कि आपने देखा है कि ये फर्म हो गया है। अब हम एक लार्ज साइज़ की प्लेट लेंगे जो इससे बड़ी हो पैन से, और उसके ऊपर हाथ रख के बड़े ध्यान से साइड पे करके स्टोव से आप साइड पे कर लें, तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे और फिर हम दोबारा इसे पैन में डाल देंगे। हीट लो ही रहेगी और इसके कॉर्नर्स को एक दफ़ा साइडों से ऐसे हम प्रेस करके राउंड शेप दे देंगे, ताकि जब ये पके तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी इसकी राउंड शक्ल हो। इसके बाद हम इस पे ढक्कन दे देंगे और इसे कवर कर देंगे लिड से, और नियर अबाउट 5-6 मिनट्स से और पकने देंगे। अब जब ये पक चुका होगा तो आप इसको जब ऐसे चेक करेंगे, ये ऊपर से फर्म हो चुका होगा, और जब आप इसे हिलाएंगे तो ये ऐसे उसमें मूव कर रहा होगा, इसका मतलब है ये कुक हो चुका है। अब हम इसे उसी तरह एक लार्ज साइज की प्लेट में डाल लेंगे, फ्लिप कर लेंगे चूल्हे से साइड पे करके एहतियात के साथ, ताकि ये गिरे ना। ये देखिए ये कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, और ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, और इसको बगैर किसी और चीज़ के सिंपल कॉफ़ी या टी के साथ लिया जा सकता है, केचप लेने साथ जो भी आपको कोई डिप पसंद है, यानी बगैर किसी ब्रेड के भी आप इसे खा सकते हैं, और दिन में किसी वक्त भी बना के खा सकते हैं, एक हेल्दी मील है, टेस्टी रेसिपी है। बिल्कुल ऑमलेट जैसे ऑल की शेप सारी नज़र आ रही होगी, और ऐसे पिज़्ज़े की टाइप का ये बन जाएगा, केक की तरह, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और सीजनिंग आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में तो बहुत टेस्टी है, और मैं ये चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे अपनी फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको बनाने का ज़्यादा यही तरीका है कि जो सारे मैंने टिप्स दी हैं उनको फॉलो कीजिएगा, तो ये आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इसे आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, मुझे केचप के साथ अच्छा लगता है, तो मैंने इसके साथ ट्राई किया है, बट इट्स सो टेस्टी एंड यमी।
बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये स्पेनिश ऑमलेट कैसा बना। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत से रखे और इस वबा से जल्द अज जल्द पूरी दुनिया को निजात दे, और फिर वही खुशियाँ और उसी